अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हमारे साथ हमारी खुशनसीबी हैं कि जो शख्सियत हैं, शी हैज गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। शी हैज बिन टीचिंग फॉर द लास्ट 7.5 ईयर्स इन कराची यूनिवर्सिटी एज ए लेक्चरर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। हमारे साथ है जनाब मैम सबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके हम कि आप क्यूरेटर्स के प्लेटफॉर्म पर आई। आपको कैसे लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होके? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी, जिस तरह आप चीजों को परसू कर रहे हैं इस लॉकडाउन के सिनेरियो में, इट्स अ बेनिफिट फॉर द लिसनर्स एज वेल। सो नाइस ऑफ यू। बस यही कोशिश है कि लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया जाए दुनिया का, जिंदगी का जाविया। और आज मैम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट दी स्पेशल एजुकेशन। और स्पेशल एजुकेशन का अक्सर हम लोग नाम सुनते हैं कि इट इज़ अ वंडरफुल फील्ड एंड दिस इज अ डिपार्टमेंट वेयर पीपल वर्क सो हार्ड। तो स्पेशल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वॉट एक्चुअली आर वी रेफरिंग टू? What actually we are referring for to the study of all the disabilities and how we will be teaching them, rehabilitating them, counseling their families, the children themselves. ये तमाम domain जो हैं वो special education में आते हैं. And secondly, it's a very diversified field. तो वो सोशलली भी इंटरैक्ट करती है सोसाइटी के साथ भी, प्लस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी रिलेट करती है. तो इट्स अ ब्रॉड फील्ड जहाँ पर जो है वो आप तमाम पर्सपेक्टिव को लेते हुए टीचिंग पर फोकस कर रहे हो, तो किसी भी स्पेशल बच्चे की। जबरदस्त। थोड़ा सा हिस्ट्री की मैं अगर आपसे बात करूँ तो पाकिस्तान में ये डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था? Our Department of Special Education was established in 1988. तब जो है वो foundation रखी गई थी कराची university के. It was derived from the Department of Education, to be exact. क्योंकि education department में as a course के लिहाज से ही सिर्फ पढ़ाया जाता था, फिर पूरी एक अलहदा field जो है वो establish हुई थी 1988 में. सही। और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशल एजुकेशन कब से एज अ डिपार्टमेंट काम कर रहा है? अगर हम इसको आफ्टर दैट ओनली, यानी कि 1988 से जब एस्टैब्लिश हो गया था डिपार्टमेंट, उसके बाद से पहले इट वाज बेस्ड ऑन मास्टर प्रोग्राम्स एंड देन 2003 में जो है वो ऑनर्स प्रोग्राम इसका स्टार्ट हो गया था। That's wonderful. मैम स्पेशल एजुकेशन की फील्ड्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं इसमें और वो किस किस तरह के डिफरेंट लेवल लोगों से रिलेट करती हैं? हमारा डिपार्टमेंट जो है वो, या ओवरऑल ऑफ वर्ल्ड की भी बात करें तो देर आर मेजरली 5 कैटेगरीज एंड जहाँ पर आप बात कर रहे होते हो, पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, persons with intellectual disability, persons with physical impairment and persons having a learning disability. Autism was initially under the influence of intellectual disability, now wo separately handle kiya jata hai. Intellectual differently able logon se aapki kya murad hai? Intellectually disabled की जब हम बात करते हैं तो उनकी cognition की बात करते हैं, that when their cognitive level is not in a functionable condition with reference to their chronicle, that is the physical age. तो जब उसके लिहाज से जो है वो working domains functions जो है वो brain के functions appropriately काम नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पर हम intellectually disabled के diagnosis जो है वो करते हैं. अच्छा, there are three or two different domains जब जहाँ पर IQ level जो है वो low होता है, below the average होता है, plus adaptive skills behavior जो है वो properly जो है वो बच्चा नहीं adapt कर पा रहा होता, like some of the things that we learn are हमें वैसे सिखाई नहीं जाती, हम अपने पेरेंट्स को देखते हुए या अपने सिबलिंग्स को देखते हुए लर्न कर जाते हैं. Those are known as adaptive skills. तो वो अडैप्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है. तो मैम ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को तो बड़ा मसला होता होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग दैट,
सेकेंडली टू द गोइंग टू द रेलेवेंट पर्सन, तो आप उन्हें क्या बोलेंगी कि किस तरीके से वो ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ऐसी बात है कि बहुत कम होते होंगे आइडेंटिफाई करने में तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि बट मेजरली चीजों को अगर हो है कि बच्चा जो है वो अपने माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल माइलस्टोन जो है वो फॉर एग्जांपल है सिटिंग के स्टैंडिंग के, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहलाते हैं, तो जो इनके ये होते हैं वो तो डेवलपमेंटली डिलेड हमारे यहाँ कहा जाता है, द टर्मिनोलॉजी इज बीइंग यूज्ड। जब हम इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं तो कुछ बच्चे स्लो हो सकते हैं, बट आफ्टर द एज ऑफ 3 years अगर बच्चा परसिस्टेंट है कि वो अकेडमिकली अडेप्टिव स्किल्स के लिहाज से जो है वो अप्रोप्रिएटली नहीं चल पा रहा, तो उनको जो है वो कंसर्न लोगों के पास आना चाहिए। अच्छा, कंसर्न लोगों से मैं मुराद ये लूंगी कि अब इतनी अवेयरनेस हो गई है स्पेशल एजुकेटर्स की या तमाम, तो बेस्ट इज कि वो उनके पास जाएं। अच्छा, वहां पर भी जाने में प्रॉब्लम आता है तो आई वेलकम देम कि हमारा डिपार्टमेंट ओपन होता है फॉर द फ्री डायग्नोसिस या फ्री रेफरेंसिंग, हमारा डिपार्टमेंट ओपन होता है फॉर द आईक्यू टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। हमारा डिपार्टमेंट आईक्यू टेस्टिंग नहीं करवाता बेसिकली, बट वी कैन रेफर टू द साइकोलॉजिस्ट कंसर्न अथॉरिटीज। That's a wonderful, क्योंकि मैंने इसीलिए इंटेलेक्चुअल डिफरेंटली एबल की जब आपने बात की तो मैंने इसीलिए आपसे चाहा कि आप ये पॉइंट इलेबोरेट करें, क्योंकि पेरेंट्स उमूमन डिफरेंटली एबल बच्चों के पेरेंट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको पहले तो आइडिया ही नहीं होता, जब आइडिया होता है तो वो अवेयरनेस ना होने की वजह से उनको नहीं समझ आ रहा होता कि उनको एग्जैक्टली कहाँ जाना है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि वो कराची यूनिवर्सिटी के स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट जा सकते हैं, वहाँ यू कैन हेल्प देम आउट। मैम, अगर हम टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की बात करें तो क्या पाकिस्तान के अंदर उस तरह की फैसिलिटीज डिफरेंटली एबल लोगों के लिए हैं जिस तरह की होनी चाहिए अभी? देखिए, अब तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई, एक्सेप्टेंस है, नए इंस्टीट्यूट्स खड़े हो गए हैं, थिंग्स आर बीइंग अडैप्टेड। हमारे डिपार्टमेंट से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो न्यू टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स को लेकर चल रहे होते हैं। द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम द पेरेंट्स इज कि कुछ ना भी करें वो, तो दे नीड टू बी ट्रू टू अस अबाउट एवरीथिंग। कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा, प्लीज बी ओपन टू अस। कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही, प्लीज बी ओपन टू अस। जितना हमसे स्पेशल एजुकेटर से पेरेंट्स ओपन होंगे बिहेवियर्स के बारे में, चीजों के बारे में, सिचुएशन, हाउ द चाइल्ड इज बीइंग हैंडल्ड एट होम बाय डिफरेंट फैमिली पर्सनल्स, उस लिहाज से हमसे ट्रूथफुली ओपन होंगे तो हमें भी टेक्निक अप्लाई करने में, गाइड करने में ईजी रहेगा। चीजें जितनी छुपाएंगे उतना फिर प्रॉब्लम ज्यादा होता है। एग्जैक्टली और मोबिलिटी ट्रेनिंग के हवाले से स्पेशल एजुकेटर्स क्या काम करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की मोबिलिटी ट्रेनिंग की मेरे ख्याल से बड़ी जरूरत होती है, isn't it? मोबिलिटी ट्रेनिंग अमूमन जो है सीवियर टू प्रोफाउंड में जरा प्रॉब्लम होता है, बट मॉडरेट टू माइल्ड, माइल्ड टू मॉडरेट जो बच्चे होते हैं वो मोबिलिटी खुद कर लेते हैं। अच्छा, यानी वो कर लेते हैं, लेकिन विजुअली इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर मोबिलिटी ट्रेनिंग्स की बड़ी जरूरत होती है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट नहीं होती है, इज़न्ट इट? मेन थिंग वहां पर तो बहुत नीड होती है, वहां पर तो फ्रॉम द वेरी बेसिक अगर बच्चे को ट्रेन किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर तौर पर अडेप्ट कर पाएगा। सही, मैम यकीन करें इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, लेकिन वक्त जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम मजीद इस पर अभी गुफ्तगू जारी रख सकें, लेकिन मैं चाहूंगा आखिर में आप अगर कोई पैगाम देना चाहें पेरेंट्स को कि what they should do, what would be your message to those parents? देखिए, parents को मैं, I completely understand कि जब parents की videos देख रहे होंगे तो वो ये कह सकते हैं कि we don't understand what they are going through, what hurdles they are facing or emotional stress what they are facing. ठीक है, but we are still there in their support. इसलिए हम जो भी उनको गाइड करने को कहते हैं, किसी भी तरीके से गाइड कर रहे होते हैं, कोई भी चीज अडेप्ट करने को कहते हैं, वो फॉर द बेटर फॉर देम सेल्फ एंड फॉर द चाइल्ड है। बाद दफा पेरेंट्स निगेट कर देते हैं क्योंकि उनकी समझ में वो पर्सपेक्टिव नहीं आ रहे होते जिस लिहाज से हम चीजों को समझाना चाह रहे होते हैं, तो वो डिस्कस करने से, क्लैरिफिकेशन करने से बेटर होंगे। तो आई वॉन्ट कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें हमारे साथ, प्रॉपर अपनी जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमसे डिस्कस करें ताकि क्लियरली काम हो सके दोनों तरफ से। एब्सोल्युटली मैम, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपका।
इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके सवालात हों मैम सबा से तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है क्यूरेटर्स, वहां भी कमेंट दे सकते हैं, मेरा ट्विटर आईडी है वकार_रजाक, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के इस चैनल की कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हैं, तो हम उन कमेंट पे आपके सवालात के जवाब मैम सभा से लेकर आपको रिप्लाई करेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। और ये जो सीखने सिखाने का सिलसिला हमने क्यूरेटर्स के प्लेटफॉर्म से शुरू किया है, ये चलता रहे। अपना और अपने गिर्दनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मैम सभा को भी अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफा की और हालात साजगार रहे तो इंशाल्लाह आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बहुत जल्द बात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस।